जैसे कि मेरे पहले कस्टमर थे, फर्स्ट टाइम मेरे लिए फ्लावर और चॉकलेट लेकर आए थे, इन्हें मेरी सर्विस अच्छी लगी तो ये फिर से आए हैं फेशियल के लिए। बट इस बार ये फिर कुछ लेकर आ गए यार बार। ये सावन में देना ही चाहिए ना, अच्छा होता है। मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आए। सो स्वीट यार। मैं कुछ नहीं ले पाती आपके लिए, आप हर बार लेके आते हो। ये तो देना ही चाहिए, अच्छा होता है ये तो। ये तो स्वागत लाते हैं। आप एंकर देखो ना एक बार। बिल्कुल। हे दोनों मराठी वाले को समझ ही नहीं आ जाएगा आपको। ये कौन सा नाम पे ये फोटो यहीं से लिया हमने, चेंज हो जाएगा वो तो। हाँ चेंज करवा लूँ मैं, आप तब तक को करवाओगे? मैं करवा लूँगी, करूँ इसको बंद में। इनकी स्किन जो है डिटॉक्स होगी एकदम, मतलब रिलैक्स हो जाएगी। जो डेड स्किन है, जो भी डेड सेल्स है वो ठीक हो जाएंगे। जो ब्लैकनेस आ रही है धूप की वजह से वो ठीक हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत बोलते ना स्किन आपकी डार्क है तो आप फेयर हो जाओगे, लेकिन आपकी स्किन से काफ़ी डेड स्किन निकल जाएगी और एक बोलते नेचुरल ग्लो आएगा। अगर आप भी कराना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बाकी फीडबैक तो आपको यही देंगे। सीरियसली बहुत अच्छा लगा गाइस, आप लोग भी एक बार सर्विस लेकर देखो। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो दीदी का नेचर ही इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। जो भी आना चाहता है आ सकता है। तिला पाहिजे कंगा थांब नकटू दीदी आता दीदा जाऊ दे नकटूला काय करायचे मांडी बसू तुला करून देऊ डिंपल पीछे का सर ठीक आहे तयारी क्या सरक 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 असं कर तिच्या हाताने करा तिला कर बाई कर हा कर डोकं हा आली कर बाई हो गया जाऊ मैं गुड्डू आली का ऐसे कौन झाड़ता है आस कर कर तू जाए चिके सर हाँ तीन ले आ कुछ सर पना है तुझे आंगा काम अच्छी कसूर कौन है जी सासू ते को तेरे डाला ना आई ने बता। तो ये जो आज मेरे क्लाइंट आए थे जिन्होंने जिनका मैंने फेशियल किया मैंने हाथ में वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे चूड़ियाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब सोचा पहन के बता दूँ। थैंक यू पल्लवी, पल्लवी सूर्यवंशी उनका नाम है। बहुत ही स्वीट है और बहुत प्यारी चूड़ियाँ लेकर आई हूँ मेरे लिए। आपको तैयार होकर अच्छे से फिर वीडियो शूट करूँगी ना, कल पहनूंगी कल अच्छी साड़ी पहन के फिर शूट करूँगी अच्छे से पल्लवी, स्पेशली पल्लवी के लिए। तो हमारे यहाँ तो लाइट चली गई है भैया, गुड्डू को सुला दिया है, अब लाइट कब आएगी। सो आगे का तो जो पहले का व्लॉग अभी आपने देखा कि मेरे क्लाइंट आए थे और वो दोबारा आए क्योंकि उनका ये कहना था कि दीदी आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छी सर्विस दी, लास्ट टाइम आपने क्लीनअप पे दिया और क्लीनअप का ही ग्लो इतना प्यारा आया। अब उनकी 8 तारीख को शायद वेडिंग एनिवर्सरी है तो उन्होंने कल मुझसे वापस से फेशियल लिया क्योंकि उनको जो क्लीनअप का ही ग्लो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइट आ गई है तो फिर उन्होंने मुझसे फेशियल लिया और वो फेशियल भी उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और वो दो बार आई हैं मेरे पास और दो ही बार कुछ ना कुछ लेकर आई हैं तो मुझे अच्छा भी लगा और साथ ही मुझे ऐसा लगा कि अरे हर बार गिफ्ट लेके आते मुझे भी कुछ ना कुछ
करना चाहिए। तो मैंने उन कोशिश की, बेस्ट से बेस्ट सर्विस दी है उनको, और मेरी सर्विस उन्हें काफ़ी पसंद भी आई है, और आगे भी अब बोलते वो बोल के गई हैं कि मेरा परमानेंट ही कस्टमर बन गई हैं, यहीं से अब थ्रेडिंग फेशियल वैक्स जो भी है वो कराया करेंगी। उन्हें बहुत अच्छा लगा, और ये फीडबैक सुन के मैं भी काफ़ी अच्छा और हैप्पी फील कर रही हूँ कि मेरे क्लाइंट मुझसे संतुष्ट हैं कि हाँ मैंने बेस्ट सर्विस उनको दी। खैर ये तो हुई मेरे पार्लर से रिलेटेड और मेरी सर्विस से रिलेटेड बात। आज मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है। मुझे ना एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मैं हिंदू समाज पे कलंक हूँ और मुझे हिंदू होने का कोई हक नहीं है, तुम बहुत कलंकित हो, ये वो, इस टाइप से मुझे बोला जा रहा है और बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। हालाँकि उसके जवाब जो मेरे वेलविशर है वो दे रहे हैं, और मैं उनको कमेंट में कोई जवाब देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा बोल लेती हूँ। डियर देखो, मांस मच्छी मटन कौन नहीं खाता, मुझे तो आप ये बताइए, मराठी समाज में खाते ही हैं, ठीक है। और आप मुझे बोल रहे हो आपको शर्म नहीं आ रही है, आप हिंदू समाज पे कलंक हो, आप सावन मास में खा रहे हो, तो मुझे एक बात बताइए। खैर अभी तो हमारा सावन लगा नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मराठी समाज का जो सावन सोमवार है वो लगने वाले हैं कल से 4 तारीख से, ठीक है, अमावस से। अभी तक हमारे लगे नहीं थे, अब लगेंगे कल से, तो इसलिए हमारे घर अंडे आ गए, खाते हमारे यहाँ भी नहीं है हालाँकि। पर मेरा कहने का मतलब आपसे एक ही है कि एक महीना मांस मटन छोड़ देने से क्या आप शाकाहारी बन जाते हैं? अगर आपको आप जीव जंतु से इतना ही प्रेम है तो आप मत खाइए। मैं नहीं खाती हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं मांस मटन मच्छी नहीं खाती हूँ, है ना, पर मेरे घर में यहाँ पर खाया जाता है। मैंने कभी नहीं खाया, बचपन से लेकर आज तक मैंने मटन चिकन को छुआ भी नहीं है, है ना। तो मेरे से तो आप बात ही मत करिए इस चीज़ पे कि आप खाते हो, मैं तो यूँ भी नहीं खाती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ, पर क्या आपके एक महीने छोड़ देने से, नवदुर्गा में छोड़ देने से, सावन सोमवार में छोड़ देने से आप शाकाहारी बन गई? हाँ ये बताइए मुझे, आप मुझे कलंकित बोल रही हैं कि आप हिंदू समाज पे कलंक हो। अगर आपको हिंदू समाज का गौरव बनना है ना, तो आप इसके लिए कुछ अच्छा कदम उठाइए, ना कि मुझे आकर यहाँ पर गालियाँ दीजिए। अगर आपको गौरव बनना है तो मैं तो बहुत अपने आप को लेकर गर्वित हूँ, क्योंकि मैंने कभी मांस मटन नहीं खाया है, मेरे घर में खाया जाता है, मैं नहीं रोक पा रही उन लोगों को। अगर आप रोक सकते हैं कि खाओ मत खाओ, तो हमेशा के लिए रोकिए, इसे बंद करवाइए, कुछ ऐसी ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको बोले कि आप गर्व हो हिंदू समाज पर। है मुझे आप कलंकित बोल रही हैं, क्या सोच के बोल रही हैं? मैं सोच रही हूँ एक कमेंट है, दो कमेंट है, ठीक है। हालांकि मेरे वेल विशर जितने भी थे उन्होंने उनको जवाब भी दिया है कि मराठी समाज के सावन सोमवार अभी नहीं लगे हैं, कल से लगेंगे, तो घर में अंडा आ गया था, और मेरे हस्बैंड जिम जाते हैं, उनकी डाइट में अंडे इंक्लूड है, वो भी नहीं खाएंगे सावन सोमवार में। पर किसी के एक महीने छोड़ देने से या नव दुर्गा से छोड़ देने से आप हिंदू समाज का गर्व नहीं बन गए हो, ठीक है, और मैं कलंकित नहीं हो गई हूँ, तो सोच समझ के किसी को बोला करो। मैं सोचती ठीक है यार, एक कॉमेंट क्या, जाने दो, बार बार करे जा रही हो, हद होती है हर चीज़ की, तो बोलने से पहले 10 बार सोचो कि क्या बोल रहे हो, और आप कितना खाते पीते हो फिर अपना बताओ। एक महीना छोड़ने से आप जाओ जीव जंतु की जान नहीं बचा लोगी। तो बस मेरा कहने का यही मतलब था। आज मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मुझे बार बार कलंकित कलंकित बोल रही हैं वो, और मैंने अभी तक उनका कमेंट डिलीट नहीं किया है। आप जाकर मेरे लास्ट व्लॉग में देख सकते हैं, जिसने मेरे हस्बैंड वो बना रहे पनीर टिक्का बना रहे, और साथ में उन्होंने उनके लिए अंडे मंगाए थे, जिस पर मुझे ये चीज़ बोली जा रही है बार बार कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हिंदू समाज पे कलंक हो, तुम सावन में अंडे खा रही हो, सावन में छोड़ देने से तो क्या आप गौरव बन जाओगी? खैर बस मेरा कहने का इतना ही मतलब था, इस ब्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। मेन मुद्दा यही है इस ब्लॉग का कि आप किसी को बोलने से पहले सोचो।